राष्ट्रपति चुनाव में मतों की गिनती जारी है। द्रौपदी मुर्मू विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर अपेक्षा के अनुरूप लगातार भारी बढ़त बनाए हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले से ही तय मानी जा रही है, सिर्फ आधिकारिक नतीजे का इंतजार है। भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय सिविल लाइन एवं नेताजी सुभाष चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की अग्रिम बधाई दी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया। भाजपा मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए चित्र पर द्रौपदी मुर्मू को सांकेतिक रूप से मिठाई खिलाकर बधाई दी। आज एक ऐतिहासिक विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रीमती राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जनजात के हैं। राष्ट्रपति चुने जाने पर आज ये पूरे महानगर, पूरे प्रयागराज ऐतिहासिक जश्न पटाखे के साथ, मिठाइयों के साथ, अनार के साथ, पूरा एक तरीके से कह लो पूरा देश खुशी का माहौल है। यहाँ तक के जो गिरवासी, बनवासी, जनजात के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में जहाँ कोई जानता नहीं था कि मुर्मू कौन है, आज पूरा यह देश जान गया है कि आदिवासी, जनवासी, गिरवासी, बनवासी, कैसे इनको उत्थान किया जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये मैं बार बार कहता हूँ कि धन्य हो देव पुरुष नरेंद्र मोदी जैसे बेटे को जन्म देकर एक इतिहास रचा। उन्होंने इतना लंबा सोचा कि ऐसे जनजात को आप एक राष्ट्रपति बनाकर एक देश गरीब तबका, जनजात के तबके के लोग गली में जो बत्तल उठाने का काम करते थे, झूठा खाने का काम करते थे, उनको समझ नहीं था, आज यह राष्ट्रपति बनाकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा और देश में समाज हित में समाज के काम किया गया है। नरेंद्र मोदी है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यह काम कर सकते हैं, चाहे कुंभ मेले में रहा हो, पैर पखारने की बात हो, सफाई कर्मियों का, स्वच्छता का हो, झाड़ू लगाना, नहीं तमाम चीजें जो नहीं सोच पाता है वहां से नरेंद्र मोदी यह एक इतिहास बना दिया पूरे समाज में। आज उसी का जश्न माहौल है और जश्न पूरे जगह मनाया जा रहा, हर क्षेत्र मनाया जा रहा है। सुरेंद्र चौधरी, विधान परिषद।